मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और इस टाइम बज रहे हैं 8:30। देखो बोलू गोलू सही है, फीवर तो खैर नहीं हुआ गोलू को, लेकिन गोलू में थोड़ी वीकनेस है। और अभी जो है मम्मी ने चाय भेजी है, तो फिलहाल मैं चाय पी ली। अभी कप खाली है, चाय मैंने कभी नहीं, बस सोकर उठी थी अभी। तो फिर पापा को चाय लाए हुए थे, काफ़ी टाइम हो गया, तो ये लगा कि हाँ भाई चाय ठंडी ना हो जाए तो पहले चाय पी लो, तो फिलहाल मैं चाय पी ली। गोलू नींद आ रही है बेटा, नींद आ रही है? फिलहाल अभी मैं घर पर आई हूँ, घर पर बस एक बात लूँगी और ब्रेकफास्ट करके वापस मुझे गोलू के पास जाना है, क्योंकि आज गोलू बहुत सुबह से चिड़चिड़ा रहा है और पता नहीं किया तो उसकी तबीयत गिर रही है या फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गया कमरे में रहते रहते। तो फटाफट हमें नाश्ता करना है और फटाफट से जाना है। तो गाइस फिलहाल बज रहे हैं 2 और मैं ब्रेकफास्ट करे हुए, मुझे वैसे 2 घंटे हुए, मीन्स सुनते मैं 2 घंटे पहले आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट करके। गोलू ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था लेकिन बहुत टेंट्रम दिखा है। अब गोलू को इस टाइम नेबुलाइजर लग रहा है, क्योंकि गोलू को ना सीने पे गोलू की सर्दी बहुत जमी हुई है, तो उसकी वजह से उसको खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। तो गोलू फिलहाल नेबुलाइजर ले रहे हैं, ये देखो। एंड अब मैं जा रही हूँ घर पर लंच करने के लिए, क्योंकि आज लंच करने के लिए इनके पापा का फिर लंच करके आ गए, मेरा लंच नहीं लेकर आए हैं, तो मुझे फिलहाल लंच करने के लिए जाना पड़ रहा है। गोलू का लंच भी मैं हाथों हाथ लेकर आऊँगी, तो फिलहाल तो मैं घर पे लंच करके लाती हूँ, लंच करने जाती हूँ, और गोलू का ख्याल इस टाइम गोलू के पापा रखेंगे। तो फटाफट जाती हूँ, डिंग डिंग डिंग, और फटाफट से मैं वापस आती हूँ। तो गाइस फिलहाल बज रहे हैं 5:30 और जो है मम्मी ने चाय भेज दी है, तो अभी तो मैं चाय पी रही थी। एंड आप क्या चाहिए? गोलू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, गोलू ने सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में जवे खाए थे गोलू ने और कुछ नहीं खाया। उसके बाद से उसका दलिया भी ऐसे रखा पड़ा, उसके फ्रूट्स भी ऐसे रखे पड़े, उसका लंच भी ऐसे रखा पड़ा है। अभी मैं गोलू को उठाती हूँ और गोलू को थोड़ा सा फिर से खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितनी भी टेस्टिंग्स वगैरह हुई थी उसमें थोड़ा बहुत ये आया कि शायद गोलू को यूरिन इन्फेक्शन है, उसकी वजह से गोलू का जो फीवर था इतना हाई पहुंच रहा था। तो अभी मैं गोलू को बस थोड़ी बहुत चाय सोच रही हूँ, थोड़ी बहुत चाय पिला दूँ उसको, और चाय पिलाने के बाद ये थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। और फीवर भी आज उसको काफ़ी था, उसको 1 के आसपास का फीवर था, अब उसको फिर से ड्रिप चढ़ रही हैं एंड दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा परेशान है गोलू इस टाइम। गोलू अब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है? तो गाइस देखिए गोलू, बस वीडियो देखिए, हाय जरूर करनी है गोलू को, ब्लॉग में जरूर आना है गोलू। आप अच्छा फील कर रहे हो? टॉप क्लास। अभी 1 से 1.5 घंटे पहले गोलू ना बोल रहा था ना कुछ कर रहा, बस गोलू चुपचाप सुस्त पड़ा हुआ था, क्योंकि गोलू को ना थोड़ा थोड़ा फीवर चढ़ रहा था। अब जब जैसे ही उसको कैंडुला लगी और मतलब उसका डायपर वगैरह सब कुछ चढ़ा, तो थोड़ा सा उसने अच्छा सा फील करा। अब मेरा बच्चा थोड़ा सा फिर से बोला, वरना 2-2.5 घंटे से तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था। और भाई यूरिन इन्फेक्शन जैसे आया है तो उसको जाते जाते टाइम लगेगा थोड़ा सा। फिलहाल अभी मैं घर पर आई हूँ, क्योंकि गोलू वहाँ पे थोड़ा सा बोर भी हो गया था और चिड़चिड़ा भी हो गया था, तो फिर भैया बोले कि आप इसको कहीं पे घुमा ला, तो फिर हमने ये सोचा कि इससे अच्छा है कि डिनर हम सीधे घर पर करते हैं और इसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, ये अपना कार्टून वगैरह देख के अपना अच्छे से डिनर कर लेगा। वहाँ पर तो इसके मुँह पर क्या, जब मुँह में ज़बरदस्ती खाना धकेलना पड़ता था, नहीं गोलू खाओ खाओ खाओ। यहाँ पर मैं उसको लेकर आई और फटाफट बस इसका कार्टून लगाया और गोलू ने आराम से 2 चीले बहुत मन से खाए, तो अच्छा लगा। अभी गोलू फिलहाल मम्मी के रूम में है और रेस्ट कर रहा है, अपनी अम्मा के पास लेटा हुआ है। अम्मा बहुत खुश हुई देख के, अरे मेरा बच्चा घर पे आ गया है इस टाइम। तो फिलहाल अभी हम लोग चेंज करके फटाफट और जा रहे हैं वापस हॉस्पिटल, क्योंकि अब गोलू को वापस से दवाइयाँ वगैरह ड्रिप वगैरह जो कुछ है वो वहीं पे चढ़ेगी। गोलू रहेगा वहीं पर ही स्टे करेगा, क्योंकि रिस्क रहता है कि कहीं ना कहीं गोलू को फीवर फिर से तेज़ नहीं हो जाए। तो अभी चलते हैं हम लोग हॉस्पिटल और उसके बाद देखते हैं। गोलू तो गाइस अभी मैं यहाँ पर वापस आ चुकी हूँ और अभी गोलू को इंजेक्शन लगा है, तो गोलू बहुत रो रहा है। एक इंजेक्शन लगा था, उसके बाद उसने तो मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब जो कैंडुला लगाने आए थे तो उन्हें भी वापस जाना पड़ा। उसके 2 इंजेक्शन्स लगने थे, 2 में से सिर्फ 1 ही इंजेक्शन लगाए, क्योंकि कैंडुला में ना इंजेक्शन जब अभी थोड़ी देर पहले जो उसकी ड्रिप बंद हो गई, तो ड्रिप बंद होने के बाद क्या ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड का, तो
तो उसकी वजह से जब वो वापस इंजेक्ट होता है तो वो पेनफुल होता होता है। तो गोलू अभी इतना रोया कि एट लास्ट भैया को वापस जाना पड़ा एक इंजेक्शन लगाने के बाद। अब वापस वो आएंगे 15 मिनट बाद, फिर वो इंजेक्शन दूसरा लगाएंगे। तो गोलू अभी बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो गाइस बज रहे इस टाइम 10:03 और आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी, क्योंकि बहुत रो चुकी हूँ। एंड क्योंकि गोलू ने को अभी इंजेक्शंस लगे थे तो बहुत रोया वो, उसके बाद वो उस हिसाब से सोरत ने बेहोशी में सो रहा है, तो उसे देख के मतलब मन बहुत दुखी हो गया। तो फिलहाल अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो लाइक शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।